कोई बैडमिंटन कोर्ट बना दिया है, बैडमिंटन खेल रहा है हॉल में। सत्यम का लेटर्स लग गया, तो चलो तुम एंजॉय करो। तुम लोग आपको लगता होगा कि जो बनाने में 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं, नहीं बनाने से और अभी लाट हो गई। तो इधर 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 शिवम इधर, तो ये देखिए शिवम का प्लेट लग चुका है। तो शिवम तो फ्रेंड्स हेलो, किचन में देखिए कितने लोग आ गए, मेरे किचन में इतने लोग आ सकते हैं। देखिए ये लोग पहुंच चुका है, दोनों कजन भाई छोटा भाई सब आ गया है, और इन लोग के लिए बना रहा हूँ मैं पनीर चिल्ली। तो ये सब पहुंचा जस्ट अभी आया। हेलो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बड़ा घर है आपका। हेलो गाइस, अभी हम लोग आपको पूरे घर का टूर करा के हैं। अगर आपने भाई को वो वाली फोटो काटे और तो देखिए तो लाइक शेयर कमेंट। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल्स। तो अभी सुबह के बज रहे 10, मैं जस्ट अभी 10 मिनट पहले उठा जब पापा का कॉल आया, तो मैं हड़बड़ा कर उठा। तो उनको कुछ ट्रेन का इंक्वायरी बताना था इसलिए कॉल किए थे, तो बताया उनको। अभी मैं फ्रेश होने नहाने जा रहा हूँ, और इतना सुबह सुबह देखे घर। गुड मॉर्निंग मम्मी, क्या सुबह सुबह तुम लोग खा रही है इतना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या रे इतना सुबह सुबह तुम लोग ऐसे नहीं मोटा हो रही है, हमको भी मोटा कर रही है। चिकन खाओ, कहीं नहीं खाएंगे। बताइए इतना वैरायटी वैरायटी चीज आपको मिला तो नहीं खाएंगे। ये देखे मम्मी दोस्तों का रोज सुबह पार्टी चल रहा है। ये देखिए सीरियल देख रही है, एकदम दोनों लगा लिए खा रही है एकदम चापुर 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 चापुर। आइए दिखाते हैं किचन में फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह बना है नाश्ता में। देखिए चाउमीन, और ये है भाजी। तो धमाल मचा दी है सब दो, तो एकदम ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो चुका है, पाव भाजी चाउमीन। तो अब मेरे को भूख लग रहा है, अब इतना टेस्टी बनेगा तो निपटा ली है। कह रहे खा के निपटा ली, मुंह धो के खा के इसी एकदम उठते उठते दबा थी। वाह 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 वाह, 2 प्लेट खा ली। तो यार देखे थे थाली, वो तो वीडियो में नहीं आई क्योंकि उस समय पापा कॉल आ गया था। वाह देखिए फ्रेंड्स इतना सारा कौन खाता है, ये देखिए ये ये मम्मी का देखिए। तो हम लोग फ्रेंड्स सब फूडीज हैं, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मस्त रहो क्या मम्मी। शरीर का भी ख्याल रखते हैं लेकिन खाते पीते भी हैं। तो चलिए अभी मैं नहाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। ओके फ्रेंड्स, अभी नाश्ता करने जा रहा हूँ, मम्मी लोग ये लोग सब तो कर ली नाश्ता, अब मैं बाकी हूँ तो जा रहा हूँ करने। तो आपने देखा ही सुबह सुबह क्या बनाया नाश्ता में। तो फ्रेंड्स अभी मेरा पाव गरम हो रहा है पाव भाजी खाने के लिए, क्योंकि मैं नहा रहा था ठंडा ना हो जाए, इसलिए अभी गरम गरम बन रहा है। और ये रहा चाउमीन, चाउमीन विथ पाव, और इसका बना है भाजी, दिखाता हूँ आपको। और यह है बटर के साथ पाव गरम होगा, और ये रहा भाजी। तो सुबह सुबह आज नाश्ता में है पाव भाजी और एंड चाउमीन। वाह ये देखिए बटर लग रहा है मस्त। सुबह सुबह इतना है थोड़े लगेगा अब दोपहर का,
अरे दही है, दही हाँ। वो दही राइस ही बना देना, चावल ही तो नहीं। सारा मैं खाऊंगा। बस तो अभी हम खाएंगे पाव भाजी। तो ये रहा पाव। तो फ्रेंड्स ये पाव भाजी, चाउमीन और भाजी अमूल बटर। तो एक बाइट लेके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा भाजी। मजा आ गया। तो चलिए अभी मैं नाश्ता करता हूँ। तारक मेहता गोल्डन चश्मा देखते हुए मिलते हैं आपसे। तू चाहिए। फ्रेंड्स मैंने अपना खाना निकाल लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ओल का चोखा है, ओए का पत्ता का सब्जी या साग कह लो आप। ये है कटहल का चार, ये है आपका कोहड़ा का सब्जी, मूली दाल राइस। तो ये मेरा खाना आज का। तो चलिए मैं खाता हूँ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? तो अभी शाम के 4:30 और बात ये है, आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्या बैठा हुआ हूँ। ये मसाले के डब्बे और ये पनीर लेकर, ये वेजिटेबल्स लेकर। तो जी हाँ, कुछ बनने जा रहा है। तो क्या बनने जा रहा है जी मैं बताता हूँ। तो हुआ इस तरह कि आज कॉल आया, हुआ मेरे बुआ है उससे छोटे लड़के का, वो मेरा वीडियो रेगुलर देखता है। तो उसमें मैं पनीर चिल्ली चाउमीन वगैरह जो अपने वीडियो में तो खाने का चीज़ डालता ही हूँ, तो वो बहुत एक्साइटेड है, जिद करने लगा बुआ को ले चलो भैया के हाथ का खाना है। मैं उनका वीडियो में देखता हूँ। तो अभी वो लोग फ़ोन किए थे, कुछ देर में आ रहे हैं, तो उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो एक तरह से वो फैन है मेरा तो वो रेगुलर वीडियो देखता है मेरा, तो वो बोलता है कि भैया आप जो बनाते हो मेरे को बना खिलाओ। तो आज प्रिपरेशन कुछ इस तरह है, मैंने पनीर चिल्ली का रेसिपी डाल रखा है, लेकिन एक बार फिर से आप सब के लिए और बुआ के बेटे के लिए ये सब से बनाने जा रहा हूँ। आज रेसिपी फिर से डालूंगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मैंने प्रिपरेशन किया है पनीर चिल्ली के लिए। तो आइए।
तो फ्रेंड्स ये सारा चीज़ मैंने प्रिपेयर करके रखा है। ये 4 से 5 प्याज है, क्योंकि पनीर 1 kg पनीर है ये, जिसको मैंने अच्छे से चॉप करके रखा है। ये आपका शिमला मिर्च, गाजर, ये आपका गार्लिक, लहसुन, हरी मिर्च, तीखा थोड़ा कम बनाऊंगा क्योंकि बच्चे हैं वो, और शिमला मिर्च। तो ये दो दो जगह शिमला मिर्च इसलिए है क्योंकि ये सारा शिमला मिर्च पनीर चिल्ली में नहीं जाएगा। कुछ नूडल्स भी बनाऊंगा उन लोगों के लिए, तो नूडल्स में गाजर, शिमला मिर्च जाएगा, कुछ प्याज जाएंगे, तो और बाकी सारा मटेरियल पनीर चिल्ली के लिए। तो ये है कुछ इस तरह हमारा प्रिपरेशन, देख सकते हैं। अभी वो आधा एक घंटा में पहुंचने वाले, उससे पहले मैं प्रिपेयर करके रख लिया कि ताकि वो आए तो उन्हें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। अब अभी मैं कुछ काम कर लेता हूँ, जब वो आ जाएँ तो तुरंत मैं जल्दी से बना के उन्हें दे दूँ। उससे पहले मैंने आपको दिखाया क्या क्या मैंने प्रिपेयर करके रखा है। अब फिलहाल तो फ्रेंड्स, पनीर चिली बनाने से पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे कुछ मसालों के साथ, और उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये है गर्म मसाला। 2 थाली में पनीर इसलिए लिया फ्रेंड्स, पनीर बहुत ज़्यादा है, एक साथ करता तो पनीर टूट सकते थे, इसलिए अलग अलग करेंगे। तो ये गर्म मसाला दोनों में डालेंगे। ये है चिकन मसाला, ये कश्मीरी लाल मिर्च हल्का सा, ये देखिए दोनों में डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, ये है कॉर्नफ्लोर, ये मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा, ये ले इसमें। तो कॉर्नफ्लोर मैंने डाल दिया फ्रेंड्स। अब हम इसमें डालेंगे नमक, 1-1 चम्मच नमक दोनों प्लेट में डाल देंगे हम। अब फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा व्हीट, मतलब आटा, ताकि ये थोड़ा क्रंची हो। दोनों में डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, तो फ्रेंड्स इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ता। देखिए ये लोग पहुंच चुका है, दोनों कजन भाई, छोटा भाई सब आ गया है, और इन लोग के लिए बना रहा हूँ मैं पनीर चिल्ली। तो ये सब पहुँचा जस्ट कर आया। हेलो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बड़ा घर है आपका, हेलो गाइस। ये अभी घर टूर कर रहे थे हमारा, और तो मम्मी लोग अभी दिखा लेते हैं, जाओ ब्लॉगिंग करो, मम्मी को दिखाओ ऐसे। तो ये फुआ और फूफा जी आए हुए हैं, तो कैसा लगा आप लोग को घर? तो अभी इन लोग आए हैं शाम में, वो होम टूर भी किए, काफी पसंद आए इन लोग को, और अभी इन लोग के लिए बना रहे पनीर चिल्ली। क्या चलो बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। लो ब्लॉगिंग करेगा क्या? मैं ब्लॉगिंग और लॉस्टिंग लेट वर्ड। हेलो गाइस, फर्स्ट टाइम विद यू, भाई तू कैसे कहना चाहेगा? हाँ तुम बोलो, मम्मी लोग से बात कर लो। चलो लाओ ना। तो गाइस अभी हम लोग आपको पूरे घर का टूर कराते हैं। अगर आपने भाई को वो वाली फोटो काटे वाली फोटो देखिए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। रुको मैं पहले पहुंचूंगा, अरे छोड़ ना। हाँ नहीं, उन्होंने खोता में दिया। ओके गाइस, मैं वापस चुने देने जा रहा हूँ, मम्मी ने कहा वापस आपको दे दूँ। नीचे तो फ्रेंड्स आपने देखा है, सब पहुंच चुके हैं घर। अब अभी मैं जा रहा हूं बनाने उन लोग के लिए पनीर चिल्ली। तो प्रिपेयर तो मैंने करके रखा था, और मैंने मैरिनेट कर लिया, इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसे फ्राई करना है, तो इसे हम फ्राई करेंगे। अभी स्वीटी इसमें फ्राई कर रही है कोई का पत्ता का पकौड़ा, जो अभी मिलेगा। क्या अभी जाते जाते मैं खाऊंगा? हाँ तुम खाना, मैं नहीं खाऊंगा, जितना खाना है तुमको खाना।
जब पेट वेट भर जाए तो और बोलना कि भैया पेट फट जाएगा तब तक खाऊंगा। तो फ्रेंड्स तो अभी देख रहे हैं इन लोग खूब मस्ती कर रहा है, तो अभी इन लोग के लिए बनाने जा रहे हैं। तो ये इसको तो ये फ्राई कर लो, तब उसके बाद ये फ्राई करेंगे। कोई का पता है ना, तो ये चीज का फ्राई कर लो। अभी हम उन्हें चाय और कोई का पत्ता का पकोड़ा अभी सर्व कर रहे हैं, उसके बाद ये पनीर फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी रानी इन लोग के लिए माजा निकाल रही है। हाँ मिलेगा मिलेगा। कैसा लगा माजा? ये मैंने नहीं बनाया, कंपनी ने बनाया। वहाँ पर जा फुआ और फूफा को दे दे। नहीं 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 माजा है, वाइन वाइन नहीं है। चलो आप दे दो फुआ लोग को। तो फ्रेंड्स ये है कोई का पकोड़ा, पत्ते का जो निकल चुका है। अभी ये फुआ और फूफा जी को सर्व करेंगे, बच्चे लोग खाएंगे। फ्राई हो रहा है, चाय भी बन रहा है हम लोग के लिए। तो फ्रेंड्स ये फुआ और फूफा जी को चाट मसाला ऊपर से डाल दो। तुम लोग भी खाते हो ना ये? ट्राई एक आध ट्राई करो, अच्छा लगेगा। ये पनीर भी अच्छा लगता है। ले जाओ। तो रानी फुआ और फूफा जी के लिए ले जा रही है। तुम लोग ये नहीं खाएगा? क्या बोला फिर से बोलो? Thank you.
ये देखिए पनीर चिली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये चाउमीन है। Nice. It is very nice. It is very nice. तो फ्रेंड्स इन लोग का वेज नूडल्स और पनीर चिल्ली रेडी हो चुका है, अब ये खाने जाएंगे। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा मजा आया ना? आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू। तो देखा फ्रेंड्स, बच्चे बोर है तो जरूर कर देना यार। तो ये पनीर चिल्ली और ये रहा वेज नूडल्स। तो ये बोल रहा है कि ये पूरा खाएगा, तो ये आप ही के लिए बना है, जितना खाना है खाइए। उधर स्वीटी प्लेट निकाल रही है पूरा, देखिए इन लोग का रेडी हो रहा है। तो ये इन लोग के, चलिए इन लोग का हम प्लेटर निकालते हैं, खाएंगे इन लोग, और आप कमेंट करके बताना है कैसा लगा। ये देखिए नूडल्स बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है, नहीं वीडियो कैसा लगा वो बताएंगे। इन्हें भी खिलाएंगे। आप कभी गिव अवे किए? तो ये देखिए, वाओ स्वीटी तो और ऊपर से प्याज डाल दी और भी सही की। अरे नहीं, ये अच्छा नहीं बोला है, मुझे नहीं खाने। ओके ठीक है, प्याज इसका प्याज साइड कर देना, साइड हो जाएगा ये देखो। हाँ देखो, तुम्हारा प्याज नहीं देंगे ठीक। तो ये इनका आ गया है, कभी निकल रहा है, मुझे मिल जाएगा। और ये है चाउमीन। गाइस आपको लगता होगा कि इसे बनाने में 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं, नहीं बनाने में तो और भी लात हो गई। इधर शिवम इधर। तो ये देखिए शिवम का प्लेट लग चुका है, तो शिवम चलो तो तुम एंजॉय करो। अब सत्यम का प्लेट लगा दो सिटी, सत्यम का प्लेट लग रहा है। तुम तो ऑनियन खाते हो ना? हां। और ये रहा नूडल्स। ये रहा सत्यम का प्लेटर्स लग गया। तो चलो तुम एंजॉय करो, तुमको मजा देते हैं के गिलास ठीक, बैठ के खाओ आराम से डाइनिंग टेबल पर। तो ये सत्यम और शिवम, बहुत अच्छा नाम है दोनों भाइयों का मेरे, और दोनों आ रहे हैं। सुंदरम अच्छा आया नहीं? बहुत तेज हो गए बच्चे। तो ये लोग टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसा लगेगा। अभी देखिए बच्चे खा रहे हैं। पनीर चिल्ली को मैंने टेस्ट किया अच्छा है, और मैं आपके सामने इन नूडल्स को टेस्ट किया ये भी अच्छा है। ओके थैंक यू। कैसा है सत्यम, पनीर चिल्ली टेस्ट किए? बहुत शानदार। थैंक यू। तो बच्चे लोग खिला के फ्रेंड्स, जब बच्चे खाते हैं आप बनाओ, बच्चे खाएं तो बहुत मज़ा आता है खिलाने में, और थकावट भी नहीं होती है। ये फूफा जी के लिए निकल रहा है, मम्मी को भी वहीं दे देना छोटी। और ये फूफा जी के लिए। देख रही लोग हॉल को बैडमिंटन कोर्ट बना दिया है, बैडमिंटन खेल रहा है हॉल में। अरे अरे इतना।